हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं भारत के उन 5 राज्यों के बारे में जहां शराब पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। क्या आप जानना चाहते हैं कि हमारे देश के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर शराब की बिक्री, खरीद और सेवन पर सख्त मनाही है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी को बताते हैं आखिर वो कौन सा राज्य है और इसके पीछे का क्या कारण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो नए हैं सब्सक्राइब करके साथ में इस वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जो पूरी तरीके से ड्राई स्टेट्स है, यानी यहाँ शराब का सेवन व्यापार पूरी तरीके से प्रतिबंध है। इसका उद्देश्य समाज में नशे की लत से होने वाले नुकसान को रोकना और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना। सबसे पहले बात करते हैं किस राज्य में शराब पूरी तरीके से प्रतिबंध है। सबसे पहले आ जाता है गुजरात। गुजरात महात्मा गांधी की जन्मभूमि है और यहाँ 1960 से ही शराबबंदी लागू है। गुजरात सरकार का मानना है इस कदम से समाज में नैतिकता और अनुशासन बना रहता है। हालांकि मेडिकल जरूरतों के लिए कुछ छूट है, लेकिन शराब खरीदने और पीने पर सख्त पाबंदी है। अब हम बात करेंगे दूसरे स्टेट्स यानी बिहार के बारे में। बिहार ने भी 2016 में शराबबंदी का कड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं की मांग पर यह फैसला लिया था। उन्होंने महसूस किया कि शराब की लत से समाज और परिवारों को भारी नुकसान हो रहा है। बिहार में शराब की बिक्री और सेवन पर सख्त सजा का प्रबंध किया गया। तीसरे नंबर पे आ जाता है नागालैंड। नागालैंड में भी सन 1989 से शराब पर प्रतिबंध है। इस राज्य में कई जनजातियां और परंपराएं हैं और यहाँ के लोग चाहते हैं कि शराब की आदतें से उनके परंपराएं और जीवन शैली को प्रभावित न करें। हालांकि कुछ खास मौके पर और संस्कृति कारणों से थोड़ी बहुत छूट मिलती है। नंबर चौथे पे आ जाता है मिजोरम। मिजोरम ने भी सन 1997 में शराबबंदी लागू की थी। कुछ साल पहले यहाँ पर शराब पर कुछ ढील दी गई थी, लेकिन 2019 में फिर से पूर्ण प्रतिबंध कर दिया गया है। राज्य सरकार का मानना है यह समाज को नशे की लत से बचाने का सबसे सही तरीका है। अब हम बात करेंगे नंबर 5। नंबर 5 पे आ जाता है भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में भी शराब पर प्रतिबंध है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए शराब पर रोक लगाई है। सिर्फ कुछ पर्यटन स्थलों पर थोड़ी बहुत ढील दी गई। तो दोस्तों, ये थे भारत के वो 5 राज्य जहाँ शराब पर पूरे तरीके से प्रतिबंध है। सरकार और समाज के लोग मानते हैं कि शराबबंदी से सामाजिक समस्याओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है, लेकिन इसके साथ ही चुनौतियां भी है, जैसे कि अवैध व्यापार और राजस्व में कमी। अगर आपको भी ये वीडियो जानकारी फुल लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को इसके बारे में जरूर से बताएं। और नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैं आप सभी के लिए इसी तरीके के अपडेट्स वाले वीडियोस लाता रहता हूं।